Good evening students, welcome back and today we are going to discuss fundamental forces of nature. Okay, this we will discuss under chapter number 1 of class 11th. Okay, and chapter is physical world. Okay, so fundamental forces, there are four fundamental forces in nature. So we are talking about fundamental forces. There are four fundamental forces in nature which governs all phenomena. Okay, which governs all phenomena in nature. देखिए इसका मतलब बेसिकली ये है कि यूनिवर्स में कोई भी बेसिक फोर्स होता है. ओके, कोई भी बेसिकली फोर्स अगर हम ले लें तो वो जो हम ये फोर फंडामेंटल फोर्सेस बताने वाले हैं उनमें से ही कोई सा उसका टाइप होता है और उस फंडामेंटल फोर्सेस के अलावा कोई भी फोर्स नहीं होगा. ओके, यानी कि कोई भी फोर्सेस ले लें, फ्रिक्शन फोर्स ले लें, फोर्स इन स्प्रिंग ले लें, कोई मैकेनिकल फोर्स ले लें या और कोई भी फोर्स ले लें, तो वो इन चार फंडामेंटल फोर्सेस में से ही होगा जो हम बताने वाले हैं. तो देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस, दीज आर एज फॉलोज. ओके, दीज आर एज फॉलोज. नंबर फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. Gravitational force. Okay. Number second is electromagnetic force. Electromagnetic force. Okay. Number third is weak nuclear force. Weak nuclear force. Okay. And number fourth is strong nuclear force. Strong nuclear force. Okay, these are four fundamental forces in nature. First one is gravitational force, second one is electromagnetic force, third one is weak nuclear force, and fourth one is strong nuclear force. Okay, in these all these forces, these two forces, gravitational force and electromagnetic force, exist between macroscopic as well as microscopic objects. Okay, this exists between macroscopic and microscopic both. इसका मतलब ये है, मैक्रोस्कोपिक लाइक टेरेस्ट्रियल बॉडीज, प्लैनेट्स एंड इंटरस्टिशियल बॉडीज, उनके बीच में भी ये दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे. एंड माइक्रोस्कोपिक मींस फंडामेंटल पार्टिकल्स और कोई हम छोटी ऑब्जेक्ट चार्जेस ले लें, ठीक है, तो उनके बीच में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा. ओके, ये दोनों. व्हाई दीज टू फोर्सेस ओनली वर्क्स बिटवीन, ये जो लास्ट टू फोर्सेस हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये केवल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक फंडामेंटल पार्टिकल्स उनके बीच में ही ये वर्क करते हैं. दिस एग्जिस्ट बिटवीन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ओनली. ओके, सो दिस इज बेसिक थिंग अबाउट दीज पार्टिकल. नाउ वी विल जस्ट सी दीज पार्टिकल, दीज ऑल फोर्सेज इन डिटेल. ओके, मोर ओवर द रिलेटिव स्ट्रेंथ, अगर हम इन रिलेटिव इन चारों के चारों फोर्सेज के बीच की रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, यानी कि इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रांग है और कौन कम स्ट्रांग है और कितना एक दूसरे से ये आपस में कम ज्यादा स्ट्रांग है, तो इनकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ All these forces is, तो लेट्स से ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बेस मान लेते हैं,
तो इसको लिखेंगे हम एफ जी रेशो, इसके लिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए लिख दिया एफ ई रेशो, वीक के लिए एफ डब्ल्यू एंड स्ट्रॉन्ग के लिए एफ एस। तो इनकी जो रेशो होता है, लेट्स से ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वन मान लेते हैं रेशो, इसके कंपैरिजन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो 10^36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, इसके कंपैरिजन में जो वीक फोर्स होता है वो 10^25 टाइम्स होता है एंड स्ट्रॉन्गर 10^38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। ये रेशो बेसिकली होते हैं। मोरओवर अगर हम पावर के ऑर्डर के इंक्रीजिंग टर्म्स में लिखें तो इसको सही तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं एफ जी, फिर उसके बाद एफ डब्ल्यू ले लीजिए, देन एफ ई, देन एफ एस, देन इट विल बी 1:10^25, 1:36, 1:38। ऐसे भी सही है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये ज्यादा कन्वीनियंट है एंड सुटेबल है। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया है, इसे एफ डब्ल्यू को आगे ले लिया और इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी आगे हमने लिख दिया है। ओके, सो नाउ इन दिस मैनर द रिलेटिव स्ट्रेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑफ दिस फोर्सेज। नाउ वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस फोर्सेज, सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो वी आर टेकिंग ग्रेविटेशनल फोर्स फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज फोर्सेज इंडिविजुअली इन डिटेल। सो वी आर फर्स्टली टेकिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, वेयर दिस एक्सिस्ट इन यूनिवर्स। इफ वी टेक एनी टू मासेस, देन बिटवीन दीज टू मासेस दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर विल वर्क। ओके, सो वी विल राइट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्स बिटवीन एनी टू मासेस इन यूनिवर्स। ओके, एंड इट इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। ओके, कॉमा, इट इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। मोरओवर द फॉर्मूला गवर्न दिस फोर्स इज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, द फॉर्मूला फॉर दिस फोर्स इज F is equals to Newton's law of gravitation is what? Capital G M1 M2 upon R square। इसका मतलब क्या है? अगर हम दो masses ले लें M1 M2 जो R distance पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में ये attractive force लगेगा और ये gravitational force का formula होता है। Okay? It will be of attractive nature always। Attractive nature। Moreover, we want to discuss some important points about this force. So we are writing some important points. Okay, what are some important points about this? So I am writing, number one is this is of attractive nature. This force is universal attractive, okay, in nature. Number two, this is a long range force. लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब है कि ये अगर मासेस मान लीजिए यूनिवर्स से एक कोने से और दूसरे कोने पर भी रखे हों, एक कॉर्नर से और दूसरे कॉर्नर, या यूनिवर्स के एक एंड से दूसरे एंड पे, तब भी उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। सो दिस इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। नंबर थ्री, दिस इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, later on I will tell you what this conservative in nature means. Okay, this is a central force. Okay,
सेंट्रल फोर्स विल ऑल्सो बी टॉक्ड ऑन लेटर इन डिटेल. बेसिकली सेंट्रल फोर्स इज द फोर्स विच एक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ज्वाइनिंग विद ए लाइन. ओके, इफ एनी फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स. ओके, मोर ओवर इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रूल. इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रूल, इनवर्स स्क्वायर लॉ. इसका मतलब क्या होता है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टू पावर्स, पावर टू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट. मोर ओवर द पार्टिकल, आई वुड लाइक टू टेल यू, एनी फोर्स इन नेचर इज ऑल्सो गवर्न और ऑल्सो हैज अ इंट्रैक्टिव पार्टिकल बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. मान लीजिए दो प्लैनेट्स हैं, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो थियोरटिकली इस फोर्स को एग्जिस्ट करने के लिए देयर मस्ट बी अ एक्सचेंज पार्टिकल. ओके, सो द पार्टिकल एक्सचेंज फॉर दिस फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल इज द पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल, पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल for this force is graviton. Okay, graviton is the name of particle which must be exchanged between any two universal masses to exist gravitational force. Okay, these are the important points about this force. And moreover, one important point is this is the weakest force in nature. If someone asks you in all these force which is the weakest force, then gravitational force is weakest one. This is the weakest force in nature, weakest force in nature. Okay, so this is all about this gravitational force. Examples are example of this force is any object which is falling toward earth. It is due to gravitational force. Moreover, any planet moving around the sun is due to gravitational force. The generation and the production of new galaxies and the formation of this universe is due to gravitational force. So, gravitational force is very much important in the creation of universe. So, we may write, okay, falling of any object, falling of any object is due to gravitational force. Okay, due to gravitational force. Moreover, motion of planets around the sun, motion of planets around the sun is due to gravitational force. So, I just told you all about this gravitational force. This is important. Now, we are moving with force number 2, which is we may take electromagnetic force, or we may take weak forces also. So, we are moving forward with force number 2. I am erasing this. Okay, so now we will talk about force number 2, which is electromagnetic force. Electromagnetic force. Okay, basically electromagnetic force is force number 2, which acts between any two charged particles which are at rest. Okay, so we will write this force exists between any two charged particles at rest. Okay, charged particle means electron, proton, okay, and other charges may also be taken. Okay, at rest, the formula for this is Coulomb's law, is given by Coulomb's law. Coulomb's
लॉ. ओके, कूलम्स लॉ इज एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. यू विल रीड दिस फॉर्मूला इन डिटेल इन 12th क्लास. ओके, इन 12th क्लास यू विल रीड दिस फॉर्मूला इन डिटेल, कूलम्स लॉ. बेसिकली दिस फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ. ओके, दिस इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. ओके, द नेचर ऑफ दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. ओके, इन दिस फॉर्मूला दिस एप्सिलॉन नॉट इज सेट टू बी बेसिकली परमिटिविटी. ओके, ऑफ वैक्यूम. सो वी मे राइट हियर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. Moreover, you may read this, you will read this formula in detail in class 12. Okay? This is attractive and as well as repulsive. Moreover, this is the force which is called electrostatic force. Okay? This is the force which is, this force given by Coulomb's law. Coulomb's law is called electrostatic force. Electrostatic force. Okay, इसे हम electrostatic force बोलते हैं. तो फिर इस वाले force को electromagnetic क्यों बोलते हैं? इसका reason ये है कि जैसे जैसे एक फोर्स एक्ट करता है बिटवीन एनी टू charges. दो चार्ज ले लिया हमने, एक क्यू वन एक क्यू टू, और जैसे इनके बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा, ऐसे ही दो अगर हम मैग्नेटिक पोल ले लें, साउथ पोल नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल या साउथ पोल साउथ पोल, तो उनके बीच में भी फोर्स वर्क करता है जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं. सो द फोर्स बिटवीन एनी टू मैग्नेटिक पोल्स, एनी टू मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स उसे हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं. बट क्यों इन दोनों को एक ही नाम दिया गया है? इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक साथ क्यों बोला गया है? इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक साथ इस वजह से बोला गया है कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं, देन चार्ज पार्टिकल इन मोशन ऑल्सो क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ओके, एंड ऑल्सो इफ इन अ मैग्नेटिक फील्ड एनी चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, देन देयर विल बी अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. दैट मीन्स दीज टू फोर्सेज आर नॉट डिफरेंट. ओके, दीज फोर्सेज आर टू डिफरेंट फैसेट्स ऑफ वन फोर्स. इट मीन्स वी मे से दीज आर इंटर रिलेटेड. दैट्स वाई द नेम कॉम्बिनेशन इज गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ओके, सो वी मे राइट एज मूविंग चार्ज क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, creates a magnetic field around it and also there exists a force on a charge moving in a magnetic field. So electrostatic force. Okay, ये मैं पार्ट अरेंज कर दे रहा हूं. आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा. एंड आई एम राइटिंग सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and magnetic force
फोर्स आर इंटर रिलेटेड, आर इंटर रिलेटेड. ओके ओके, सो दीज आर टू फैसेट्स ऑफ वन सिंगल फोर्स. सो मी वे राइट, सो नेम इज गिवन, नेम इज गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. मोरओवर आगे जब आप पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास में, देन देयर आर फोर मैक्सवेल्स इक्वेशन, एंड फोर मैक्सवेल इक्वेशन टेल्स अस दैट दीज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर नथिंग बट दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वन. इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल. ओके, सो दिस नेम इज गिवेन. बेसिकली दिस इज ऑफ अट्रैक्टिव एंड नेगेटिव रिपल्सिव टाइप बोथ, बट देयर आर सर्टेन पॉइंट विच वी मस्ट मेंशन हेयर. सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस फोर्स. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नंबर वन इज दिस इज ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ इन नेचर. दिस इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. ओके, मोरओवर इट्स स्ट्रेंथ इन कंपेरिजन टू, इट्स स्ट्रेंथ इन कंपेरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस 10 की पावर 36 टाइम्स. ओके, मोरओवर इट्स स्ट्रेंथ इज 10 की पावर 36 टाइम्स. ओके, इन कंपेरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स. Gravitational force. Moreover, this is a long range force. This is also a long range force. जैसे gravitational force होता है, ऐसे ही ये भी long range force होता है. This also follows inverse square law. Okay? This also follows inverse square law. Inverse square लॉ. ओके, जैसा कि आप यहां से देख सकते हो, ये फोर्स जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में, ये जो आर है.